और अब बात डीएसजीएमसी चुनाव की, जिसके लिए पंजाबी बाग से चुनाव लड़ रहे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और शिरोमणि अकाली दल बादल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सरना धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मुद्दे पर सिरसा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सिरसा के मुताबिक सरना दिल्ली के मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं है। सुखबीर जड़ा होम मिनिस्टर सी उदे ऑफिशियल एंड स्पेशल ड्यूटी दे करके एज ए स्टेट मिनिस्टर तुसी उदे नाल काम करते रहे। तुहाडी होम मिनिस्ट्री दे वक्त जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बेदबी होई, जो गुरु ग्रंथ साहिब दी लीरो लीर हो गए और तुसी उहनां नूं फड़ नहीं सके दोषियां नूं। अज भी जिहड़े साडे विरोधी ने जिहड़े साडे सामने चुनाव लड़ रहे ने उहनां दा एजेंडा नैगेटिव आ। वो पूरे देश की गल करते उ हो गया, पंजाब चाह हो गया, हरियाणा चाह हो गया, दिल्ली सेंट्रिक गल नहीं कर रहे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने हमेशा जन सरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की यह कोशिश भी रही है कि जनता की आवाज को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाया जा सके। वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अक्सर जनता के मुद्दों पर मुहिम चलाता है और ऐसी ही मुहिम कई बार नशे के मुद्दे को लेकर भी चलाई गई। चंडीगढ़ में किस तरह वीरान जंगल नशे की जद में फंसे युवाओं के लिए स्वर्ग बन गए हैं, उधर पंजाब के डीजीपी ने अमृतसर में पुलिस की तरफ से जब्त की गई ड्रग्स को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया। साथ ही हमने दिखाया कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के हलके जलालाबाद में नशे की किस कदर जड़े गहरा रही है और मजीठा में किस तरह खुलेआम गलियों में नशा बिकता है। तो हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है।